एक कुत्ता जो कि एक मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है और 10 से 12 साल तक जीता है, और वहीं पर एक इंसान एक मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और 80 से 100 साल तक जीता है, लेकिन एक कछुआ जो कि एक मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है और 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इस चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज़्यादा करने के लिए विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने की नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं, और सांसों की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों की धीमा और लंबा होने की गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है, कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता, कान और आँख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई हुई वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना कार्य पूर्ण करके भिन्न रूप से बाहर निकल जाती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर से क्या सही क्या गलत करके आ जाती है इसका कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं, कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है, आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है, न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता उन्हें जिंदा हो जाती है, फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर खेल उठता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति या बसरी का परिणाम तेज हवा के उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोग में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोग की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं, उथल पुथल रहती हैं या फिर तेजी से चलती हैं। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, वहीं पर जब काम वासना का भाव उठता है तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और हमारे रहन सहन से भी बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति से और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन योगी कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्षों हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को
गहराई से समझा था और अब वह अपने इस अनुभव और ज्ञान को शिष्य के माध्यम से जनसमूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि में भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार शिष्य उनके पास आता है। शिष्य के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नज़दीक पहुंचते ही शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, यह मैं तुम्हारे चेहरे का भाव देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? शिष्य ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचार पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसकी योगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसे ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी, और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखाई देगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है और सांसों को नियंत्रण करके वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा, वो 150, 200 या फिर 300 साल तक जी जाते हैं। तो वे आखिर इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है, यह एक योगी अच्छी तरीके से जानता है और वह इस काम पर काफ़ी हद तक महारत भी हासिल कर लेता है। इसलिए वह इसे प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, यह सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है। और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, यह सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो यह सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें हमारे मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उन्हें दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझाने का। अगर तुम किसी बच्चे को सोता हुआ देखोगे तो तुमने अनुभव किया होगा, जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा
अपने पेट अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने के सबसे सही और प्राकृतिक तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा अपने मन में किसी बात को ज़्यादा देर तक नहीं रखता और ना ही वह ज़्यादा लंबे समय तक किसी से गुस्सा रह सकता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार भी दिया जाए तो वह कुछ समय के बाद उसे भूल अपने खेल में मगन हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए और विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें चाहिए, इसलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय अपनी सीने से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी ही चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी एक मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन और स्थिति शारीरिक कंपन से है। अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगी के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें एक मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती हैं यह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीज़ों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता से एक निश्चित स्तर पर ले जाएं, बहुत तेज सांस न लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकता है जो जनसाधारण इंसान के जीवन से परे हैं। योगी परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिसका कोई इलाज नहीं है उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को यह सब बातें कहानी लग सकती है क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और कोई भी चीज़ जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी योगी परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास शुरू किया। स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर कि वह जब चाहे जितने समय के लिए चाहे अपनी सांस
ब्रेन वेव्स हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहाँ मौजूद लोग, रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगी के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वे अचानक उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना, यह एक प्राचीन योगिक तकनीक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वह जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वह बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के गुण रहस्य को समझने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम जितनी लंबी सांस अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकालते समय उसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ एक अंगुल का मतलब एक उंगली की मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करते समय जितनी लंबी सांसें अंदर जाती है उससे कई गुना सांसें बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इसकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल। सोते समय नींद से बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात करी गई है, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देता है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने दो ही बात बताई, पहला नाभि तक भरकर पूरी सांस लें और दूसरा रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांसों की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई ज़्यादा होती है, और यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। श्वास्त्र शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई एक अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना कम होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वह कुछ ही क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8ों सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8ों सिद्धि नवनीति के दाता
इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आठों सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। यह आठ सिद्धियाँ हर एक इंसान में होती है, बस ज़रूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकालने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम हो जाने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है, फिर वह जब चाहे खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन यह सोई हुई शक्तियाँ केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी। और मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांस है। इसलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी होता है।